Hi everyone, welcome to Free Study. So today we are going to start from page number 110 to 130, and after this two more videos. इसके बाद हम November का Current affair start कर देंगे, okay? So start करते हैं, and ये Insights IAS के PDF से मैंने notes बनाए हैं, तो अगर कोई channel पर new हो, तो ये Insights IAS के PDF से notes बनाए गए हैं, and these are complete. आप सिर्फ इन्हीं के इन्हीं को रीड कर कर क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं देर इज़ नो नीड टू रीड दैट पी डी एफ ओके क्योंकि ये कम्प्लीट है एंड जो मेन चीज़ें हैं वो सब मैंने इसके अंदर लिखी हैं जो मेन पॉइंट्स हैं एंड ये आंसर राइटिंग फॉर्म में भी हैं सो so आपको टू बेनिफिट्स होंगे करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर होगा एंड साथ में आपकी आंसर राइटिंग भी होगी कि आंसर राइटिंग में कौन कौन से पॉइंट्स आपको लिखने हैं आगे पीछे तो लिखना ही होता है अपने आप को ठीक है लेकिन जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो मैंने सभी इंक्लूड किए हैं एंड देर इज नथिंग मिसिंग कुछ मिसिंग नहीं है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ठीक है चलिए गूगल टू फेस एंटी ट्रस्ट केस इन इंडिया तो गूगल पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने अपना जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी पोजीशन को यूज़ किया है टेलीविजन मार्केट में स्मार्ट टीवीज आते हैं स्मार्ट टीवीज मींस आप जैसे नेट कनेक्ट कर सकते हैं उसके साथ एंड फोन uh, के थ्रू भी कनेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब की वीडियोज उसके अंदर चला सकते हैं तो गूगल के खिलाफ ये जो केस है ये फोर्थ टाइम हुआ है एंड गूगल पर यही जो सेम चार्जेस हैं वो यूएस एंड चाइना में भी चल रहे हैं तो एंटी ट्रस्ट लॉज क्या होते हैं इन्हें कंपटीशन लॉज भी कहते हैं कि जैसे मान लीजिए प्रिडेटरी बिजनेस प्रैक्टिसेस प्रिडेटरी बिजनेस प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है जैसे पहले प्राइस कम कर देना एंड उसके बाद जब कंज्यूमर्स बन जाते हैं तो प्राइजिज़ को इंक्रीज कर देना तो इस चीज़ों इन चीज़ों से कंज्यूमर्स को बचाने के लिए कुछ कॉम्पिटिशन लॉज बनाए जाते हैं ताकि मार्केट के अंदर एक कॉम्पिटिशन रहे एंड कोई भी इस तरीके का काम ना कर सके मींस किसी की मोनोपली किसी का एकाधिकार ना हो जाए एंड जो कंपटीशन है वो चलता रहे क्योंकि कंपटीशन होगा तभी अच्छे गुड्स मिलेंगे अगर एक की मोनोपली आ जाएगी तो उसके पास जो भी होगा वही बिकेगा एंड कंज्यूमर्स को वही खरीदना पड़ेगा फिर कोई चॉइस भी नहीं रहेगी देन देखिए एक इंडियाज एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन फ्रेमवर्क है दैट इज कॉम्पिटिशन एक्ट टू टू ये जो लॉ है इसने जो मोनोपलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट था 1969 का इसे रिप्लेस किया था मीन्स पहले इस एक्ट का नाम ये होता था मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसज एक्ट लेकिन 2002 में इसका नाम कॉम्पिटिशन एक्ट रख दिया गया अब जो कॉम्पिटिशन एक्ट है वो ये कहते हैं कि कोई भी काम एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं करना मीन्स ऐसा नहीं करना है कि अपनी पोजिशन बनानी है मार्केट के अंदर मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन के थ्रू बनानी है अपनी डोमिनेंट पोजिशन को अब्यूज़ नहीं करना है गलत तरीका नहीं अपनाना है इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी बनाया 2003 में जो कि देखता रहे कि ठीक ढंग से काम चल रहा है या फिर नहीं मार्केट जो है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी है या फिर नहीं है फ्री मीन्स जहां पर सब कुछ जो होता है वो डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होता है तो फ्री मार्केट इकोनॉमी हम उसे कहते हैं चलिए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे व्हाट इज़ होलोग्राफिक इमेजिंग होलोग्राफिक इमेजिंग के अंदर क्या होता है मैं जो ये सभी पीडीएफ के अंदर जितने भी इमेजेस थी उन इमेजेस का भी एक वीडियो बना दूंगी एंड जितने भी इमेजेस होंगी ताकि आपको थोड़ा एक और आइडिया हो जाए एंड मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे मीन्स हमारी ये फैक्ट फॉर फिल्मस की वीडियो हो जाएगी उसके बाद एक वीडियो के अंदर आपको इस पी के अंदर जितने भी डायग्राम्स uh, हैं या जितने भी इमेजेस हैं वो सभी मैं आपको एक वीडियो बनाकर देख लूँ दिखा दूंगी तो वो भी आप जरूर देखेगा सो so, उसके अंदर होलोग्राफिक इमेजिंग भी दिखाई देगा ना होलोग्राफिक इमेजिंग होता क्या है इसके थ्रू वायरस हो या मान लीजिए कोई एंटीबॉडीज हो तो उनको ईजिली डिटेक्ट किया जा सकता है तो इसके अंदर लेज़र बीम्स होती हैं लेज़र बीम्स को यूज़ करके किया जाता है नाव ये जो लेज़र बीम्स हैं ये होलोग्राम्स जो होती हैं उन्हें रिकॉर्ड करती हैं एंड जो सरफेस होता है बीड्स का वो एक्टिवेट हो जाता है बायो कैमिकल बाइंडिंग साइट से अगेन दीज आर वेरी टेक्निकल स्टेटमेंट्स तो इनकी कोई एग्जैक्ट हिंदी नहीं होती है जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है कि आ, अब बायोकेमिकल की क्या हिंदी बताएंगे मुझे नहीं लगता कि आप भी बता पाएंगे तो बायो केमिकल हैं लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको एज इट इज समझने होंगे अब बायो की एग्जैक्ट हिंदी में नहीं बता सकती ओके सो टेस्ट okay? so, के बेसिस पर जिस तरीके का टेस्ट होगा उसके बेसिस पे जो सरफेस होंगे बीड्स के वो एक्टिवेट हो जाते हैं ठीक है अगर अगर मान लीजिए अगर कोई भी ऐसी जो अभी मैं आपको डायग्राम दिखाई देती हूँ इसकी तो जो सरफेस होता है बीड्स का वो एक्टिवेट हो जाता है अगर बायोकेमिकल बाइंडिंग साइट्स जो हैं वो अट्रैक्ट कर लेती हैं या तो किसी एंटीबॉडी को या फिर किसी वायरस पार्टिकल को ये मैं आपको अभी टेस्ट दिखा देती हूँ देन देखिए जो बाइंडिंग एंटीबॉडीज़ या जो वायरसेस होंगे फिर वो क्या करेंगे बीड्स को आ, और बढ़ने के लिए मजबूर करेंगे एंड हो सकता है फ्यू बिलियनथ पार्ट वो जो हैं वो ग्रो हो जाए तो साइंटिस्ट जो हैं वो इन ग्रोथ को फिर मेज़र करेंगे कि कितना चेंज आया है इन बीड्स होलोग्राम्स के अंदर तो ये जो है ये थर्टी मिनट्स में हो जाता है एंड एक्यूरेट डाटा मिलता है इसे ट्रेंड परसोनल ही कर सकते हैं तो होलोग्राफी के अंदर थ्री डी क्रिएट की जाती हैं होलोग्राम्स जिन्हें कहते हैं लेज़र बीम्स को यूज़ करके डिफ्रैक्शन एंड लाइट इंटेंसिटी रिकॉर्डिंग इन सब को यूज़ करके इसको डिवेलप किसने किया था एंड इसके लिए नोबल प्राइज भी मिला था हंगेरियन ब्रिटिश फिजिसिस्ट डेनिस गैबोर को नाइनटीन सेवेंटी वन में जो होलोग्राफी है इसे यूज़ किया जाता, जाता है जैसे मिलिट्री मैपिंग के अंदर ठीक है अगर मान लीजिए किसी एरिया की मैपिंग करनी है मेडिकल में भी यूज़ किया जाता है फ्रॉड एंड सिक्योरिटी आर्ट इन्फॉर्मेशन स्टोरेज इन सब में ये यूज़ की जाती है अब पहले मैं आपको एक बार इसका डायग्राम दिखा देती हूँ ठीक है या फिर मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ पहले मैं आपको सब कुछ पढ़ा देती हूँ क्योंकि अदरवाइज फिर मुझे वीडियो जो है वो एक बार बंद करनी पड़ेगी तो पहले मैं आपको ये पीडीएफ कराती हूँ फिर उसके बाद दिखाते हैं चलिए नाउ व्हाट इज़ बायो फोर्टिफिकेशन तो ये न्यूज़ में इसीलिए आया है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने डेडिकेट किए हैं कि एट और क्रॉप्स को बायो फोर्टिफाई किया जाएगा नाउ ये जो वराइटीज़ होंगी जो दूसरे फूड इंग्रेडिएंट्स हैं इसके थ्रू जो इंडियन थाली है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी न्यूट्री थाली में कन्वर्ट हो जाएगी मीन्स उस थाली का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो तीन गुना बढ़ जाएगा तो बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे आप फूड क्रॉप्स के न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाते हैं उसमें विटामिन बढ़ाकर मिनरल्स बढ़ाकर ठीक है प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोविटामिन ए कारोटेनॉइड्स बढ़ा सकते हैं जिंक बढ़ा सकते हैं आयरन बढ़ा सकते हैं तो कैसे बढ़ाएंगे इसके अंदर कन्वेंशनल क्रॉप ब्रीडिंग टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है एंड उन वैराइटीज़ को देखा जाता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कैपेबिलिटीज हो एंड फिर इन्हें क्रॉस ब्रेड कराया जाता है ठीक है उन वैराइटीज़ के साथ जो कि और मींस डेवलप करना चाहते हैं वैराइटीज़ ठीक है फोर्टिफाइड वैराइटीज़ मान लीजिए जैसे कोई एक आ, क्रॉप है इसके अंदर हाई डिज़ायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं एंड कोई दूसरी क्रॉप है इसको फोर्टिफाई करना चाहते हैं तो इन दोनों का क्रॉस ब्रीडिंग करके इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो क्या कराए जाएंगे बढ़ाए जाएंगे देन देखिए एग्रोनॉमिक फोर्टिफिकेशन मीन्स मिनरल्स को यूज़ करना जिंक को आयरन को यूज़ करना ठीक है एंड प्लांट मैनेजमेंट सॉइल फैक्टर्स इस तरीके से चीज़ों को करना कि जो प्लांट है उसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रियट्स हैं वो क्या हो जाए बढ़ जाए देन देखिए डिफरेंस होता है बायो फोर्टिफिकेशन में एंड फूड फोर्टिफिकेशन में अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बायो फोर्टिफिकेशन बायो फोर्टिफिकेशन मीन्स क्रॉप के अंदर ही जब मान लीजिए कोई क्रॉप होती है फसल होती है उसके अंदर न्यूट्रिशनल माइक्रो न्यूट्रींट बढ़ाना फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है जो फ़ूड होता है जब खाना जब प्रोसेसिंग होती है जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं तो इसमें फ़ूड में माइक्रो न्यूट्रियट्स बढ़ाए जाते हैं एंड यहाँ पर क्रॉप्स में बढ़ाए जाते हैं सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस देन देखिए इंडिया ने ज्वाइन किया है यू के लेड फाइट अगेंस्ट इंक्रिप्टेड ऑनलाइन मैसेजेस अगर आपने इंक्रिप्शन अगर आपको नहीं पता है तो एक कॉमन मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जैसे व्हाट्सएप होता है तो व्हाट्सएप मान लीजिए आप किसी ग्रुप में आपको कोई ऐड करता है तो उसमें आता है जैसे मान लीजिए एक पॉइंट होता है जो हमें क्लिक करना पड़ता है अगर हम उसको नहीं क्लिक करते हैं तो वो जैसे मान लीजिए किसी ने कोई वीडियो भेजा है या कुछ भी भेजा है या कोई आपको जैसे वीडियो कॉलिंग करता है या अगर आप उसको किसी यूट्यूब पर मैसेज करते हैं कोई यूट्यूब की वीडियो भेजते हैं तो वो ओपन नहीं हो पाती वो तब तक ओपन नहीं हो पाती क्योंकि एंड तो टू एंड इनक्रिप्टेड रहता है तो उसके अंदर ऐसा आता है लिखा हुआ दैट एंड टू एंड इंक्रिप्शन है तो यहाँ पर भी वही इंक्रिप्टेड ऑनलाइन मैसेज की बात हो रही है एंड इंडिया ने यूके जो है वो कोशिश कर रहा है कि ये जो इनक्रिप्टेड ऑनलाइन मैसेजेस इनके खिलाफ लड़ा जाए इंडिया व्यू से ज्वाइन करने वाला है तो यूके एंड इंडिया को और कौन कौन ज्वाइन करेंगे यूएस कैनेडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड जापान तो इससे क्या होगा जो फाइव आइज़ हैं अभी देखेंगे फाइव आइज़ नाइन आइज़ क्या हैं तो ये अलायंस बने हुए हैं इंटेलिजेंस इशूज़ के लिए नो कंपन ये है कि एंड टू एंड इनक्रप्शन ना हो जैसे कि फेसबुक के अंदर भी होता है एंड कंट्रीज़ ने कंपनीज को कहा है कि वो मीन्स इ एक्टिविटीज़ के थ्रू भी बाइंड ना हो एंड एक तरीके से अंधे ना हो जाए इन चीज़ों के लिए तो इशू क्या है एंड टू एंड इंक्रिप्शन तो एंड टू एंड इनक्रिप्शन से क्या होता है जो पीपल की लोगों की जो सेफ्टी होती है ऑनलाइन वो खत्म हो जाती है मीन्स इट इज़ अप्लाइड विद नो एसेस टू कॉन्टेंट अंडरमाइंस द एबिलिटी ऑफ द कंपनीज टू टेक एक्शन अगेंस्ट इ एक्टिविटीज़ ऑन देयर ओन प्लेटफॉर्म्स इसका मतलब ये है जैसे अगर आप वो एंड टू एंड इनक्रिप्शन जब तक आप मीन्स वो बटन क्लिक नहीं करेंगे जैसे व्हाट्सएप का ग्रुप होगा अगर आप एक जो बटन आते हैं तीन साइड में अभी वो मेरे पास है नहीं स्क्रीन तो जब तक आप उसे क्लिक नहीं करते हैं तो एन टू एंड इंक्रिप्शन आता है आप कोई वीडियो नहीं चला सकते उसके अंदर तो आपके जो भी डाटाज होते हैं वो काफ़ी हद तक उनके पास चले जाते हैं तो इससे काफ़ी सारे जो सीरियस क्राइम्स हैं जैसे ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है टेररिस्ट कंटेंट है तो इनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेटिंग करना क्या हो जाता है मुश्किल हो जाता है लो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है जैसे मान लीजिए आपने कोई मैसेज है आपने कुछ टाइप किया एंड जब रिसिपेंट के पास जाएगा ये चीज तो बस उसे ही समझ में आएगा जैसे व्हाट्सएप ठीक है आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन तो अगर आपने कभी व्हाट्सएप के अंदर अगर आपको किसी ग्रुप में कोई ऐड किया गया हो तो ये तब समझ में आता है ठीक है तो क्या होगा जैसे मान लीजिए आपका जो आपने जो भी मैसेज होगा पहले वो इंक्रिप्ट होगा किन्हीं कोड्स के अंदर वो कोई थर्ड पर्सन रीड नहीं कर सकता एंड जब रिसिपेंट के पास रिसीव होगा तो तब वो डिक्रिप्ट होगा एंड तभी उसको ये जो मैसेज है वो समझ में आएगा तो इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो डाटा है वो इस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है कि वो बस समझ में आए सिर्फ सेंडर एंड रिसीवर को जैसे सेंडर ने मैसेज भेजा रीडेबल टेक्स्ट है जैसे ये डाटा नेटवर्क पे गया वो इनक्रिप्टिड हो गया कोड्स के अंदर चला गया स्पेशल कीज के थ्रू जब डाटा डेस्टिनेशन रिसीवर पर पहुंचेगा तभी वो डिक्रिप्ट होगा एंड सिर्फ रिसीवर ही उसे समझ पाएगा तो ये अब कंट्रीज देख लीजिए आप फाइव आइज नाइन आइज एंड फोर्टीन आईज फाइव आइज़ के अंदर ये देखिए टोटली लर्निंग है यूके यूएस कैनेडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नाइन के अंदर ये फाइव तो हैं ही प्लस है आपका डेनमार्क फ्रांस हॉलैंड एंड नॉर्वे देन फोर्टीन आइज के अंदर ये नाइन तो प्लस जर्मनी बेल्जियम इटली स्वीडन एंड स्पेन चलिए नेक्स्ट करेंगे एंड तो ये को कनेक्ट करेंगे थर्टी फर्स्ट मार्च तक गड्ढे खोदे जाएंगे केबल्स बिछाई जाएंगी कनेक्टिविटी दी जाएगी एवरेज ये डिसाइड किया गया है कि हर दिन 257 विलेजेस को एंड महीने में 7500 विलेजेस को हालांकि जब ये स्कीम इनाग्रेट की गई तो सिर्फ 181 एट्टी ही कवर किए गए एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सी होते हैं हमारे कॉमन सर्विसेज सेंटर्स ठीक है तो इसको ध्यान रखिएगा मतलब जो टारगेट सेट किया था वो अचीव नहीं कर पाए टू डिसाइड किया था सिर्फ वन ही कवर कर पाए हैं देन देखिए नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन तो सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है वो आ, टू हैं आपके एक तो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ इन सॉरी इलेक्ट्रिसिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाव ये जो बनाया है वो किसने बनाया है सेंटर फॉर एडवांसमेंट डेवलपमेंट ऑफ एडवांसमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे ने एंड आई एस सी बेंगलुरु ने बैंगलुरु ने दैन नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के थ्रू पूरी कंट्री के अंदर एक ऐसा ग्रिड बनाए जाने की कोशिश की जा रही है ताकि एकेडमिक एंड जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएँ एंड उनकी जो कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ जाए ओके okay, तो सुपर कंप्यूटर्स को नेटवर्क किया जा रहा है नेशनल नॉलेज नेटवर्क से रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट किया जाएगा ताकि वहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट आए हाईली प्रोफेशनल हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर अवेयर ह्यूमन रिसोर्स बनाया जाएगा ताकि डिवेलपमेंट हो सके इन अप्लीकेशनस की अब थोड़ा ये ध्यान रखिएगा थोड़ा फैक्ट्स फॉर फिल्म पहला सुपर कंप्यूटर परम शिवाय था आई ये आपकी है बी एच यू आई थिंक इट इज़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ठीक है देन परम शक्ति परम ब्रह्मा ये परम शक्ति है आपकी खड़गपुर के अंदर एंड परम ब्रह्मा है आपकी आई आई एस सी आर पुणे के अंदर ना ये थोड़ा फैक्स फॉर प्लेम्स ये भी है इंडिया का जो इंडिजीनियस इंडिजीनियस मीन्स खुद का हमारे इंडिया का खुद का जो सर्वर है वो क्या है रुद्रा है एंड ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है देन देखिए वट आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं पढ़ते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव है कि हमें जो ये सार्स कोरोना वायरस टू है इसके लिए न्यूट्रलाइजिंग करना होगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ तो पहले ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती क्या है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मैन मेड प्रोटीन्स होते हैं जो कि ह्यूमन एंटीबॉडीज़ की तरह ही काम करते हैं जैसे मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल बीमार हैं आप कोई दवाई खाते हैं तो दवाई खाने के बाद क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर uh, कुछ ऐसी मीन्स uh, वो आ जाती हैं कि अगर आपके अगेंस्ट uh, में जैसे मान लीजिए कोई चोट लग गई है तो उसको कवर करने में हेल्प करती हैं। तो मीन्स अगर एंटीबॉडीज अच्छी होंगी तो उससे अगर आपकी बॉडी पर कोई भी अटैक करेगा तो आप उसको सर्वाइव कर पाएंगे तो इसे बनाया है आई ए वी आई ने ठीक है आई ए वी आई है आपका इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव एंड स्क्रिप्स रिसर्च ने ताकि कोविड नाइनटीन को देखा जा सके कुछ इनोवेटिव तरीके से देन प्लाज्मा थेरेपी डिबेट तो द प्लाज्मा थेरेपी डिबेट तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आ, डिसाइड किया है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कि वो इस थेरेपी को नेशनल गाइडलाइन से ड्रॉप कर देंगे क्योंकि ये इन इफेक्टिव पाया गया है ये चाइना एंड नीदरलैंड्स में भी फेल हो गया है आई थिंक दिस इज इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च देन देखिए प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है प्लाज्मा हमारा आ, जो ब्लड होता है उसका लिक्विड पार्ट होता है एंड एक कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा भी होता है जो मान लीजिए कोई पेशेंट है एंड उसको कोरोना हुआ था तो उसके आ, जो ब्लड है उससे लिया जाता है कोविड नाइन्टीन में ये जो डोनर हैं वो उनको देखा जाता है एंड वो हेल्दी होना चाहिए मतलब लास्ट सिम्टम से ट्वेंटी डेज के बाद ये लिया जाता है ठीक है वे फॉरवर्ड क्या है कोविड जो है उसको इंडिविजुअलाइज केयर की जरूरत होती है किसी भी पर्सन को एंड कंसर्न्स उठाए इसने प्लेसिड ट्रायल ने कि ये ठीक नहीं है प्लाज्मा थेरेपी इज नॉट गुड देन देखिए इंडी जेन प्रोग्राम तो इंडी जेन प्रोग्राम जो है वो भी इम्पोर्टेंट है इसमें वन जीरो टू नाइन सिक्वेंसड जिनोम्स का एनालिसिस किया गया है एंड फिर रिजल्ट पब्लिश किए गए तो अराउंड फिफ्टी फाइव फिफ्टी uh, फाइव आपका नहीं बनेगा ये बनेगा आपका फाइव करोड़ वन टू हाँ फाइव करोड़ फिफ्टी एट लैख नाइन्टी एट थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेल्व सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएंट्स लिए गए इंडियन के जीनोम डाटा सेट के अंदर एंड कंपैरिजन ने बताया कि इसमें से जो आपके वन करोड़ एट्टी लैख सिक्सटीन थाउजेंड टू फिफ्टी सेवन जो वेरिएंट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं एंड ये सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं तो ये इंडिया सेंट्रिक पॉपुलेशन जिनोम इनिशिएटिव है यहाँ पे जो भी वेरिएंट्स पाए गए उनको क्लासिफाई करना होगा एंड कुछ इस तरीके की मेडिसिन बनानी होगी जो कि सही काम करें हमें आइडेंटिफिकेशन करना होगा ताकि मार्कर्स का फॉर करियर स्क्रीनिंग कौन सी वेरिएशन हैं जिससे जेनेटिक डिसज़ेज हो रही हैं बेटर डायग्नोसिस करना होगा क्योंकि हमें जो इंड जो जीनोम सिक्वेंसिंग है वो बहुत ज़रूरी है अगर हमें एफिशेंटली क्या करना है अच्छे से किसी भी पर्सन को रिकवर कराना है तो इंडी क्या है एक जीनोमिक्स है पब्लिक हेल्थ का इंडिया में अप्रैल 2019 में स्टार्ट हुआ था इसके अंदर जो पूरी जीनोम सिक्वेंसिंग है वो होती है एंड ये डाइवर्स जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो जीन सिक्वेंसिंग क्या होती है एक जीनोम जो है वो डीएनए होता है एंड इज अ सीक्वेंस ऑफ जीन्स इन अ सेल जीनोम के सिक्वेंसिंग करने का मतलब होता है कि जो भी पेयर्स होते हैं जैसे अगर आपने डीएनए देखा हो तो ये थोड़े साइंस वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे तो वो जो हमारा डी होता है उसके जो बेस पेयर्स हैं उनको समझने के लिए ये काम आता है एंड देन देखिए व्हाट आर जोम्बी फायर्स तो जोम्बी फायर्स जो हैं वो आर्कटिक में पाए गए तो हमारा ये जो ग्लोब है तो अगर मान लीजिए ग्लोब का नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल को अगर आप ऊपर ऊपर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा तो ये आर्कटिक एंड टुंडरा रीजन में पाए गए तो ये वो फायर है जो कि अंडरग्राउंड है एंड का काफ़ी समय समय के बाद मीन्स अलग अलग समय समय के बाद ये धरती से बाहर निकलती रहती है ठीक है अंडरग्राउंड से बाहर निकलती है टुंडरा जो है वो आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ टाइप नॉर्थ में ही है एंड यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो कम हो रही है क्योंकि वहाँ पे भी फायर होने लग गई है तो ज़रूरत है कि हम फायर्स के नेचर को समझें इम्पॉर्टेंट स्टेप्स उठाएं ग्लोबल कॉपरेशन की हेल्प लें ठीक है और हम इन फायर्स को कंट्रोल करें देन देखिए फोर्टी परसेंट ऑफ द एमेजोन रेन फॉरेस्ट इज एट टिपिंग पॉइंट ऑफ बिकमिंग सवाना नो सवाना इज टोटली हमारा uh, क्या अमेजॉन रेन फॉरेस्ट बन जाएगा तो देखते हैं एक स्टडी की है ग्लोबल फायर एमिशंस डाटा बेस प्रोजेक्ट ने जिसे रन करता है नासा नासा आपका यूएस का है फाइंडिंग्स कह रही कि जो फायरस हैं अमेजन के अंदर दो में वो अपनी डिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा की दो हज़ार में सेवेंटी सिक्स हंड्रेड किलोमीटर स्क्वायर में ज्यादा में जो फायर है वो फैली एंड इंटरनेशनल अटेंशन भी मिला कोविड नाइन्टीन की वजह से भी मिला एंड 2019 में भी 17 परसेंट जो फॉरेस्ट कवर था वो जल गया था या कट हो गया था 1970 से 2019 तक तो कंसर्स यही है अगर देखिए हमारा जो अमेजोन फॉरेस्ट है अगर वो सिकुड़ने लगेगा तो वो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट हैं प्लांट हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करते हैं तो अगर वो प्लांट्स ही खत्म हो जाएंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर नहीं करेंगे ठीक है उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो बल्कि मतलब उसको कंज्यूम करने की बजाय रिलीज करेंगे तो ये कार्बन फॉसेट बन जाएगा तो हो सकता है ये सैमे एडिट सवाना के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो अमेजोन ज़रूरी क्यों है क्योंकि इसने एट मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर किया है ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा एरिया है इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इसके थ्रू अमेजोन रिवर एंड जो ट्रिबूटेज हैं नॉर्थ साउथ अमेरिका की मीन्स साउथ अमेरिका के जो नॉर्थ हिस्सा है ठीक है उसको कवर करते हैं एंड फोर्टी ब्राज़ील को कवर करते हैं ऊपर अगर आप देखेंगे तो गुआना हाईलैंड मिलेंगे वेस्ट में देखेंगे तो एंडीज माउंटेन्स मिलेंगे

चलिए नेक्स्ट करेंगे इकोसिस्टम सर्विसेज तो इकोसिस्टम सर्विसेज की स्टडी की है किसने एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने दैट इज़ द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट सो दैट इज कॉल्ड टेरी एंड ये इन्होंने पाया कि जो एनुअल वैल्यू है इकोसिस्टम सर्विसेज की वो फोर ट्वेंटी सिक्स करोड़ की है इस स्टडी को कमीशन किया था सेंट्रल जू अथॉरिटी ने अब फाइंडिंग्स क्या रही एक तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं एजुकेशन एंड रिसर्च पर ध्यान देते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कल्चर कॉम्बिनेशन सारे गुड पॉइंट्स लिखने हैं ये भी ध्यान रखेगा लैंड एंड लैंड वैल्यू जो है डेली ज़ू की वो है फिफ्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन करोड़ इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर से हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं प्रोविजनल सर्विसेज सपोर्ट सर्विसेज रेगुलेटिंग सर्विसेज कल्चरल सर्विसेज ठीक है ये सब आपको नेम्स क्या करने होंगे लर्न करने होंगे इनका एक्सप्लेनेशन देखिए आपको पीडीएफ के अंदर भी नहीं मिलेगा अगेन आई एम टेलिंग यू पीडीएफ से मैंने बहुत ही जो भी सारी चीज़ें हैं वो सभी लिखी हैं तो ऐसा आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है लेकिन पी में एक्सप्लेन होगा तो ये पी में भी नहीं था तो रेगुलेटिंग सर्विसेज क्या होता है भाई किसी चीज़ रेगुलेट करना कल्चरल सर्विसेज क्या होता है वहाँ के कल्चर को मेंटेन करके रखना तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको खुद से बनाने होंगे जैसे जो बोलते हैं ना फॉर्डर मटेरियल मींस आपको कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो बनानी आनी चाहिए देन देखिए दिल्ली गवर्नमेंट ने बायोडिकम्पोजर को स्प्रे कर रहे हैं आ, खेतों के अंदर फील्ड्स के अंदर ताकि स्टबल बर्निंग को रोका जा सके तो दिस इज समथिंग दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग देखते हैं दिल्ली के जो सी एम हैं अरविंद केजरीवाल उन्होंने अनाउंस किया कि हम जो एक पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने एक बायोडिकम्पोजर सोल्यूशन बनाया है एंड अक्टूबर ग्यारह से वो उसे खेतों में क्या करेंगे छिड़केंगे तो इस इंस्टीट्यूट ने कैप्सूल्स बनाए हैं बेसिकली एंड उन कैप्सूल्स के अंदर बायोडिकम्पोजर्स हैं ये कैप्सूल्स जो हैं सॉल्यूशन के साथ मिक्स किए जाएंगे एंड फिर खेतों में डाले जाएंगे तो ये क्या करेंगे जितनी भी मीन्स जो स्टबल uh, मीन्स क्या होता है जो भी जैसे फसल कट गई फिर वो जो नीचे जो बच जाते हैं तो वो स्टबल होता है तो फिर उसको क्या करेंगे बायोडिकम्पोजर्स उसको सड़ा देंगे एंड कॉम्पोस्ट में कन्वर्ट कर देंगे जिससे वो जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी बढ़ ही जाएगी एंड फर्टिलाइजर्स का भी कम यूज़ होगा तो इस टबल भी खत्म हो जाएगा बिना उनको बर्न करे हुए तो ये जो बायोडिकम्पोजर्स हैं ये कुछ फंजय को यूज़ करके सेवन फनजई को यूज़ करके बनाए गए हैं एंड ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं फिर ये जो स्ट्रो होता है उसमें से सेलुलोज लिगनिन पैक्टिन सबको डाइजेस्ट कर देते हैं एंड उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है इतना टेम्परेचर इन्हें चाहिए थर्टी टू थर्टी टू डिग्री एंड जो आपका इन इन आ, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने भी इस टेक्नोलॉजी को सही मान दिया है ठीक है तो ये आया है देन देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स तो ये दिल्ली की वजह से हर साल न्यूज़ में आ जाता है तो दिल्ली को पुअर जोन के अंदर डाला गया है अब पुअर जोन का मतलब हो गया टू हंड्रेड वन टू थ्री हंड्रेड ये कुछ सिक्स पैरामीटर्स होते हैं जैसे फिफ्टी तक है तो गुड है फिफ्टी वन टू हंड्रेड है तो सेटिस्फैक्टरी है वन हंड्रेड वन से 200 है तो मॉडरेट है इसके बाद जो कंडीशन है वो ख़राब होने लग जाती है तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स 2014 में लॉन्च किया था जिसका मतलब था वन नंबर का मतलब वन कलर वन डिस्क्रिप्शन एट पॉल्यूटेंट्स इसके अंदर होते हैं पी एम टेन पी एम टू पॉइंट फाइव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ठीक है देन नाइट्रोजन ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन सल्फर डाइऑक्साइड देन दिस इज योर अमोनिया एंड दिस इज योर लेड पी बी इसे डेवलप करते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड आई आई टी कानपुर देन देखिए स्टॉक होलम कन्वेंशन ऑन पी ओ पीज तो एक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की स्टॉक होल्म कन्वेंशन ये आपने एनवायरमेंट में पढ़ी होगी शंकर आई एस में पढ़ा होगा या जो भी आप एनवामेंट की बुक पढ़ रहे हैं तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि वो सेवन केमिकल्स को रेटिफाई करेंगे एंड पावर्स दे दी गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को अब ये कौन कौन से हैं तो ये आप अगर लर्न हो जाए तो कर लीजिएगा अदरवाइज आप देख लीजिए आपको कैसे करना है एक है आपका क्लोर डिसोन देन है हेग्जा ब्रोमो बाईफिनाइल देन है एग्जा ब्रोमो डाईफिनाइल या फिर हैप्टा ब्रोमो डाई फिनाइल देन है टेट्रा ब्रोमो डायरे फिनाइल ईथर या फिर पेंटा ब्रोमो डाइफिनाइल ईथर पेंटा क्लोरो बेंजीन हेक्सा ब्रोमो साइक्लो साइक्लो डोडेकेन ठीक है देन हेक्सा क्लोरो बुटाडेन, तो लर्न हो जाए तो कर लेना ठीक है अदरवाइज आप इसको भाई लर्न ही करना होगा और तो कोई ऑप्शन नहीं है फ़ायदे क्या होंगे इंडिया जो है वो ग्लोबल एन्वायरमेंट फैसिलिटी को असैस कर पाएगा अगर वो इस इन्वेस्टमेंट प्लान को अपडेट कर देते हैं तो नाउ स्टॉक होल कन्वेंशन है क्या ये 2001 में साइन हुई थी 2004 से इफेक्टिव हो गई थी जितने भी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं उनके यूज़ को कम करना है प्रोडक्शन को भी रोकना है नाइनटीन में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की जो गवर्निंग काउंसिल थी उन्होंने कहा कि एक एक्शन की ज़रूरत है ताकि जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि हमारे एनवायरमेंट में रहते ही हैं एंड रिस्क लाते हैं ये ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट के लिए तो इनको क्या करना है खत्म करना है तो जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये लिपोफिलिक होते हैं मींस ये जो एनिमल्स एंड जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं इनके फैटी टिश्यूज के अंदर इकट्ठे होते रहते हैं एंड बायोमैग्निफिकेशन आपने देखा होगा एक फिश अगर जैसे मान लीजिए कोई टॉक्सिक मटेरियल लेती है तो धीरे 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 जब वो बड़े एनिमल्स में जाता है बड़ी फिश में जाता है तो उसके अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है बढ़ जाता है ठीक है तो यही सब यहाँ पे लिखना है सेवेंटी थाउजेंड टाइम्स तक मैग्नीफाइड हो सकता है ये ट्वेल्व इनिशियल परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स थे कन्वेंशन के अंदर एक बार आप इसको देख लीजिएगा अदरवाइज़ आई डोंट फाइंड इट इम्पॉर्टेंट बाकी आपकी मर्जी है ठीक है मैंने आपको ये दिखा दिए हैं ये आपके पेस्टिसाइड्स हैं ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं ये बाई प्रोडक्ट्स हैं तो ये नेम्स आप एक बार रीड कर लीजिए अपने आप ठीक है चलिए इसके साथ साथ दो और हैं कार्सिनोजेनिक अगर देखिए मैं ये नोट्स अपने लिए सिर्फ रफ़ बनाती तो शायद मैं इन्हें कभी लिखती भी नहीं क्योंकि आ, कोई ऐसी चीज़ जो मैं लर्न करना ही नहीं चाहती हूँ तो मैं उसको नहीं लिखती लेकिन क्योंकि मुझे ये जो नोट्स हैं वो कंप्लीट बनाने हैं एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि पी के अंदर आप ये पढ़ो एंड कोई कमेंट करें कि पी के अंदर ये लिखा हुआ है लेकिन आपने नहीं लिखा तो फिर आ, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है इसीलिए मैंने लिखा है बाकी मैं इसको नहीं पढ़ूंगी ठीक है आपकी मर्जी

कुछ और कन्वेंशंस भी बनी हुई हैं एक बनी हुई है लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूटेंट्स एक बनी हुई है प्रोटोकॉल ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स दैन देखिए व्हाट इज़ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान तो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी ने कहा है दिल्ली पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान को कि वो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स को इम्प्लीमेंट करें एंड देखें कि एयर पॉल्यूशन क्यों हो रहा है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है ग्रेडिड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान सुप्रीम कोर्ट ने दो में अप्रूव किया था इसे एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी ने बनाया है ये सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पर ही काम करता है इसके अंदर थर्टीन डिफरेंट एजेंसीज़ जो हैं वो कोऑर्डिनेट करती हैं इसके जो हेड होते, है, होते हैं वो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी होते हैं मीटिंग करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एंड देखते हैं कि कौन से एक्शनस लेने होंगे कि जो पॉल्यूशन है उसकी प्रॉब्लम को ठीक किया जा सके देन देखिए ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी तो इसका भी मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊँगी तो डेली फर्स्ट स्टेट बन गई है इसको पास करने के लिए एट्टी ट्रीज जो हैं जो भी लोकेशन से अफेक्ट होंगे तो उनको नई लोकेशन पर लगाया जाएगा तो टेन सेप्लिंग्स एंड पूरा एक ट्री को जड़ समेत खोदा जाएगा एंड फिर उसे साइंटिफिकली तरीके से दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट किया जाएगा मींस गिराने के बजाय जैसे पेड़ों को काटने के बजाय उसको कहीं और उगाने की कोशिश की जाएगी इसके लिए जो पैनल है वो भी बनाया गया है गवर्नमेंट एजेंसीज का जो पेमेंट है वो एक साल बाद होगी एंड अगर अस्सी से ज़्यादा ट्रांसप्लांटेड जो ट्रीज हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाए तो पेमेंट डिडक्ट भी हो सकती है लोकल कमिटीज भी बनाई जाएंगी एक डेडिकेटेड ट्री ट्रांसप्लांटेशन सेल भी बनाएगी कौन गवर्नमेंट देखिए ब्लू ब्लू फ्लैग फ्लैग बीचेस बीचेस सॉरी तो ये भी हमने कई बार पढ़ा है टू बीचेस कर्नाटका के अंदर फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन जिसे हम एफई कहते हैं उन्होंने पाई दैट इज कौन कौन सी हैं वो बीचेस एक तो है कसर कोड बीच कहाँ पर है ये उत्तरा कन्नड़ के अंदर हन्नावर जगह के अंदर है दूसरी उडुपी के पास पडू बिद्री जगह के अंदर है ये बाकी छह देख लीजिए शिवराजपुर है गुजरात के अंदर गोल्डन है पूरी उड़ीसा के अंदर ऋषिकोंडा है आंध्र प्रदेश के अंदर कप्पड़ है के अंदर, केरला के अंदर घोगला है डीयू के अंदर तो इसको आप जीडी से ध्यान रख सकते हैं राधा नगर है अरुणाचल एंडामैन एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर तो ये सिक्स एंड प्लस टू पडुबिद्री एंड कसरकोड नाउ ब्लू फ्लैग प्रोग्राम बीचेस के लिए या जो मेराइनाज जो जगह होती हैं वो होती हैं एंड इसको जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एफ ई दैट इज दैट इज़ योर फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन तो ये लॉट करते हैं एंड ये फ्रांस में स्टार्ट हुआ था 1985 से फिर 1987 से यूरोप में हुआ फिर 2001 से यूरोप के बाहर भी हुआ जब साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया ब्लू फ्लैग बीचेज में आने के लिए 33 क्राइटेरिया को मीच करना पड़ता है अब ये जो एफ ई ई है दैट इज इसका मैं बार बार नाम भूल जाती हूँ एफ का एनवायरमेंट एजुकेशन मुझे ध्यान रहता है एफ जो है वो है फाउंडेशन ये मेरे साथ लास्ट ईयर से प्रॉब्लम है चलिए तो एफ ई फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन ने क्या कहा है कि जो स्पेन है उसके अंदर सबसे ज़्यादा बीचेज़ हैं 560 इसके बाद ग्रीस इसके बाद है फ्रांस ठीक है तो मैंने आपको आ, इसकी ट्रिक शायद नहीं बताई हो तो मैंने आपको आ, इसकी ट्रिक बताई थी दैट इज़ पेन पी ए आई एन से आप याद रख सकते हैं पेन जी एफ ठीक है तो आपकी मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के भाग गई भाग गई है ठीक है तो थोड़ा बस फन के लिए तो आपको बहुत ही दर्द हो रहा है एंड यू आर नॉट हैप्पी तो पेन एंड जी एफ तो पेन से ध्यान रखिएगा स्पेन एंड जी एफ से ग्रीस एंड फ्रांस बस ट्रिक है लर्न करने के लिए बाकी आपकी मर्जी है इंडिया के अंदर उड़ीसा की जो चंद्रभागा बीच है उसने टैक्स सर्टिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर ली थी एंड इंडिया अब जो है वो फिफ्टी ब्लू फ्लैग कंट्रीज में भी है जापान अगर हम आशियन नेशंस की बात करें तो उसके अंदर जापान साउथ कोरिया एंड यूएई भी आती है नाउ ये उन बीचेस के लिए अवेलेबल नहीं होती मीन सभी के लिए अवेलेबल नहीं है जो थर्टी थ्री क्राइटेरिया को फिलफिल -फिल करेंगे उन्हीं के लिए ही है ब्लू फ्लैग इसका ट्रेडमार्क है देन देखिए फ्लाई एश फ्लाई एश का यूज़ ये भी आपका यू एग्ज़ाम में पूछा गया है पास्ट ईयर पेपर्स के अंदर तो एन लिमिटेड दैट इज़ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है इन्होंने सीमेंट मैनुफेक्ट क्चरर्स के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि फ्लाई एश को सप्लाई किया जा सके एंड ये एक तरीके से कोल कंबेशन प्रोडक्ट होता है इसके अंदर आपका जो एस टू है एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड है तो ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं ठीक है मेन मिनरल कंपाउंड्स हैं एंड इसके अंदर देखिए माइनर में बहुत सारे थे एंड तो मैंने वो नहीं लिखे अगर आप चाहें तो आप पी डी एफ पढ़ सकते हैं अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हैं इसको कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है देन देखिए हेल्थ एंड एनवायरमेंट हेज़ार्स तो काफ़ी सारे टॉक्सिक हैवी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर जैसे निकल कैडमियम आर्सेनिक क्रोमियम लेड रेडिएशन की प्रॉब्लम इसके अंदर हंड्रेड टाइम्स ज़्यादा होती है वाटर पोल्यूशन हो सकता है अगर जैसे आप राख जो होती है उसको आप तो ऐश डाइक्स की ब्रीचिंग होती है या ऐश स्पिल हो जाती है तो एनवायरनमेंट पे फ़र्क पड़ता है ना इसको यूज़ किया जा सकता है जैसे आप कंक्रीट को बना लीजिए ठीक है कंक्रीट मींस क्या होता है मलबा जैसे एक तरीके से आपने देखा वो छतों पे जो लैंटर्न डलता है ठीक है वो कंक्रीट से बनता है कुछ एम्बेंकमेंट्स कुछ गड्ढे वगैरह भरने हैं वो भर सकते हैं सीमेंट की क्लिंकर प्रोडक्शन कर सकते हैं सॉफ्ट सॉइल को स्टेबलाइज कर सकते हैं रोड बना सकते हैं एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं अगर रिवर्स में यूज़ कर, कर सकते हैं आप इसको रोड्स में भी यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि जो कालेश्वरम जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसको जो क्लियरेंस दी गई है वो कानून को वॉयलेट करता है मीन्स उसकी पालना नहीं करता तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने आ, क्लियर किया था तो एनजीटी ने इन्हीं पर इल्ज़ाम लगाया है कि इस मिनिस्ट्री ने लॉ को वायलेट किया है तो अब क्या करना होगा एक तो इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं बताई गई रेमिडियल मेजर्स नहीं बताए गए एक साथ मेंबर की कमेटी बनानी बनानी होगी जो देखेगी कि कितना डैमेज होने वाला है अगर बिना एनवायरमेंट uh, क्लीयरेंस के इसको लिया गया है कालेश्वरम लिफ्ट इिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है इसको प्रणहिता चेवल प्रोजेक्ट uh, भी कहा गया है आंध्र प्रदेश में बन रहा है एंड दो में इसको दोबारा से रीज डिजाइन किया गया फिर ये तेलंगाना के अंदर आ गया क्योंकि 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया था एम यही है तेलंगाना के अंदर काफ़ी सारा एरिया ऐसा है जो कि ड्रॉट है एंड फ्लड वाटर्स जो हैं वहाँ पर वहाँ उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है गोदावरी रिवर से ताकि वहाँ पे थोड़ा इरिगेशन की जा सके प्रणहिता एंड गोदावरी रिवर का कॉन्फ्रेंस पर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा इससे एग्रीकल्चर जो है वो थर्टी एट लैक एकड़स के अंदर फैलेगा ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा हैदराबाद एंड सिकंदराबाद एरिया के अंदर अभी हैदराबाद का नाम जो है उसको योगी जी ने सजेस्ट किया है कि इसका नाम भाग्यनगर नगर दो, तो ये सपोर्ट करते हैं मिशन काकटिया एंड मिशन भागीरथ स्कीम्स को भी क्योंकि ये दो मिशन ऐसे हैं जो कि विलेजेस को ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करते हैं एंड अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम बन जाएगा देन देखिए स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 तो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 हेल्थ एफर्ट्स इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्युएशन का कोलेबोरेशन है तो नेम ध्यान रखिएगा देखिए इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको एक्सप्लेन किया जाए दिस इज सिंपल यू हैव टू लर्न द नेम्स आपको देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसा कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते हैं कि आप जस्ट इनके जो रीडिंग कर दी आपने इसकी अब यार इसकी रीडिंग नहीं करेंगे तो स्कोर क्या कर सकते हैं बताओ जब इसके नाम ही तो लर्न करने हैं मैंने आपको पहले ही कहा अगर आपको देखो न्यूज़ देखनी है कि खबरें क्या हैं तो वो द हिंदू की बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं एंड मैं ये मान के चलती हूँ कि आप जो डेली न्यूज़पेपर हैं उसको फॉलो अगर आप कर रहे होंगे तो यहाँ से जो मैगजीन्स होती हैं जैसे इन साइड्स आई का जो पी है यहाँ से आपको पेपर रिलेटेड मटीरियल मिलता है अब उस पेपर रिलेटेड मटीरियल में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी मिनिस्ट्री है मेन क्या है चीज़ें तो वो सब मैं आपको कराती हूँ तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता यार देखो बेसिक जो होना चाहिए ना वो आपको बुक से मिलता है जैसे जो बेसिक पॉइंट्स हैं मैंने कभी भी नहीं कहा कि हम द हिंदू पढ़ेंगे या मैं आपको हर एक चीज़ जो है वो डिटेल में बताऊंगी क्योंकि डिटेल में बताने का वेरी फ्रेंकली आई डोंट हैव टाइम क्योंकि मैं आपको हर एक चीज अगर बहुत डिटेल में बताऊंगी तो वीडियोज हैं वो ना तो कभी कम्प्लीट हो पाएंगी एंड ना ही मेरी पढ़ाई हो पाएगी इसलिए मैं जितनी कोशिश कर सकती हूँ ये नोट्स आप एक बार बनाकर देखेगा आपको दो तीन घंटे लगेंगे टेन पेजेस लिखने में ही अगर आप समझ समझ कर लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं धीरे धीरे अब मैं दो घंटे में लिखने लग गई हूँ बट फिर भी दो घंटे तो चाहिए ही चाहिए लिखने के लिए अब इससे ज़्यादा यार टाइम नहीं ले सकते एंड फिर इसको वीडियोस को बनाना उसमें भी हमारी थर्टी या फोटी मिनट्स लग जाती हैं ठीक है तो आई एम सॉरी कि अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप थोड़ा न्यूज़ का वीडियोज़ देखिए पहले या न्यूज़ को पढ़ना शुरू कीजिए उसके बाद जो पेपर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इन मैगजीन्स के अंदर मिलती हैं ठीक है अब जैसे मान लीजिए लॉन्ग टर्म एक्सपोजर अब इसकी यार क्या हिंदी बताएंगे लॉन्ग टर्म एक्सपोजर मीन सिंपल है लंबे समय तक किसी चीज़ की आप पकड़ में हैं तो दिस इज़ लॉन्ग टर्म एक्सपोजर तो मैं ये मान के चलती हूँ बेसिक नॉलेज आप रखिए ठीक है क्योंकि हमें एक यू एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे स्पून फीडिंग नहीं कर सकते आप आप जब मेंस के अंदर आंसर राइटिंग लिखने जाएंगे तो आपको भी वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बनानी पड़ेंगी इसलिए बिल्कुल भी ऐसे मत कीजिए कि भाई हम तो टोटली totally अपनी तरफ से कुछ मेहनत नहीं करेंगे नहीं थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी होगी जैसे इसके अंदर हिस्ट्री के टॉपिक्स आते हैं एनवायरमेंट के टॉपिक्स आते हैं तो एनवायरमेंट के अंदर आपको पता होना चाहिए पॉल्यूशन क्या है ठीक है आपको कुछ कुछ जो डिटेल्स है वो पता होनी चाहिए जैसे ऊपर हमने पढ़ा एनवायरमेंट क्लियरेंस तो इसके लिए आपको एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है तो बुक्स की जो बेसिक नॉलेज है जी आपको साथ साथ प्रिपेयर करना पड़ेगा तभी आपको ये जो करंट अफेयर्स है वो समझ में आएंगे क्योंकि ये यूपीएससी है यहाँ पर आपको सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा कि इसका आंसर क्या है कितना डाटा है ये नहीं पूछा जाएगा आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए तो इसके लिए आपको बेसिक्स पता होने चाहिए इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आते हैं वो सभी कभी ना कभी अगर आपने बुक पढ़ी है रमेश सिंह पढ़ी है या कोई और पढ़ी है एन सी पढ़ी हैं तो अब जब तक आपको ये नहीं पता होगा भाई एग्रीगेट डिमांड क्या होता है डिमांड क्या होता है सप्लाई क्या होता है नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है तो आपको उससे रिलेटेड न्यूज़ भी नहीं समझ में आएगी एंड अगर देखिए कोई टॉपिक आता है अगर मैं उसके अंदर ये सब चीज़ें समझाने चली जाऊँगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी एंड बिलीव मी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आपको बेसिक्स क्लियर करूँ मैं मैगजींस ही कम्प्लीट करा सकती हूँ बिकॉज़ आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर माई सेल्फ एंड अगर मैं अपने लिए प्रिपेयर कर रही हूँ तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए अपने बेसिक्स जो है वो मजबूत कीजिए ठीक है तो बेसिक्स अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं एंड वो आपको बुक से होंगे बुक से अपने बेसिक्स को मजबूत कीजिए आपको टाइम लग सकता है लेकिन जब आप एक बार आपके बेसिक्स पकड़ में आ जाएंगे तो करंट अफेयर्स बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए ठीक है अगर किसी को बुरा लगा हो तो भाई माफ़ कर देना मैंने ऐसे तो नहीं कहा है कि मैं आपको कुछ भी नहीं समझाऊंगी बट हाँ पेपर से रिलेटेड चीज़ें हम करेंगे अब ये कोलेबोरेशन है तो अगर मैं ऐसे बोल देती हूँ भाई ये कोलेबोरेशन है बिटवीन हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एंड द इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेलुएशन कि आपने इसको हिंदी में नहीं किया अब इसकी कोई हिंदी नहीं हो सकती एंड इसके ज़्यादा इसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं हो सकता है ठीक है तो आपको ये थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि इतना तो आपको खुद से समझना ही पड़ेगा कोलेबोरेशन मीन्स दोनों ने मिलकर तो अगर मैंने ये बोल दिया कोलेबोरेशन है बिटवीन तो जस्ट ये मत कहिए जस्ट रीडिंग इट्स नॉट रीडिंग ये बहुत तीन घंटे की मेहनत होती है तब वीडियो बनती है चलो ठीक है आगे करते हैं तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर अगर आप घर के अंदर घर से बाहर एयर पॉल्यूशन फेस करते हैं जिसकी वजह से 1.67 मिलियन डेथ्स होती हैं नाउ 2019 में हुई हैं ये एयर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा रिस्की है एंड जो खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर भी डेथ होती है क्योंकि उनका या तो जन्म पहले हो गया नौ महीने से पहले हो गया कम बर्थ वेट है तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है एंड इंडिया के अंदर जो पर कैपिटा पॉल्यूशन एक्सपोजर है वो भी बहुत ज़्यादा है दैट इज़ एट्टी थ्री यू पर मीटर क्यूब इसके बाद नेपाल का है इसके बाद नाइजर का है ये भी लर्न करना होगा ठीक है देन देखिए चैलेंजेस क्या हैं चैलेंजेस यही हैं गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि एवरेज पॉल्यूशन जो है वो कम हुआ है पिछले तीन साल के अंदर लेकिन इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर बहुत ही मार्जिनल जो है वो कम हुआ है नाउ देखिए सिंपल है अगर एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो हार्ट एंड लंग डिसीज़ बढ़ेंगी इन्फेंट्स जो हैं उनको वो और ज़्यादा रिस्क पर आ जाएंगे सब सहारन अफ्रीका के अंदर और भी बुरी कंडीशन हो जाएगी अब देखिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड तो ये इंटरनेशनल स्नो लेपर डे तेईस अक्टूबर को मनाया जाता है जब एक डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया था ट्वेल्व कंट्रीज ने हिमल संरक्षक क्या होता है हिमल संरक्षण जो है इसी साल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ये प्रोग्राम ताकि ये जो स्नो लेपर्ड्स हैं अब स्नो लेपर्ड्स क्या होते हैं जो वो लेपर्ड जो कि बर्फीले इलाके में रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अब ये नाम रखा गया है हिमल संरक्षण सो सिंपल ये प्रोग्राम बनाया गया है अब इससे रिलेटेड कुछ बातें जानते हैं कि और कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं 2009 में एक प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च किया गया था इंडिया जो है वो आ, ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड एको प्रोटेक्शन का भी पार्ट है दो से ही नौ तीन आ, बड़े बड़े लैंडस्केप्स भी आपको देखने को मिलेंगे हैमिस स्पीति जो कि आपको लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा नंदा देवी गंगोत्री उत्तराखंड में देखने को मिलेगा खंचिन जोंगा जो कि आपको सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश के पास जो तवांग एरिया है वहाँ देखने को मिलेगा तो वहाँ पर आपको स्नो लैपर देखने को मिलेंगे एंड इसके साथ साथ ये ट्वेंटी वन जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उसके अंदर भी आते हैं देन देखिए येल्लो डस्ट येल्लो डस्ट क्या होता है तो ये हमने लास्ट मंथ भी किया था तो कोरियन के जो सेंट्रल टीवी है उन्होंने वॉर्न किया है एक तरीके से सभी लोगों को आ, वार्निंग दे दी है कि चाइना से येल्लो डस्ट आ रहा है एंड हो सकता है वो अपने साथ कोविड नाइन्टीन भी ले आए तो येल्लो डस्ट एक मिट्टी है डेजर्ट्स है चाइना एंड मंगोलिया के अंदर जो कि हाई स्पीड सरफेस विंड्स हैं एंड नॉर्थ एंड साउथ कोरिया में ये जाते हैं हर साल अब ये जाते हैं का मतलब सैंड जाता है ठीक है मिट्टी उड़ के जाती है लेकिन यूएस सेंटर फॉर कंट्रोल ने कहा है कि वायरस जो है वो काफी घंटों तक एयरबोन रह सकता है लेकिन कोविड नाइनटीन को ऐसा नहीं है कि वहां पर लेकर चला जाएगा देन देखिए गवर्नमेंट ग्रीन लाइट्स ग्रीन फायर क्रैकर्स तो डेली गवर्नमेंट ने एक कॉम्पेन लॉन्च किया था थर्ड नवंबर को कि हम एंटी फायर क्रैकर मतलब हम पटाखे नहीं चलाएंगे फायर क्रैकर्स को बैन किया जा चुका था 2018-2019 में भी ग्रीन फायर क्रैकर्स मीन्स ऐसे फायर क्रैकर्स जिसके अंदर से ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे जिसके थ्रू जो पॉल्यूशन का एमिशन लेवल है वो कम होगा एंड डस्ट भी एब्जॉर्ब हो जाएगा जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं एंड जो हार्मफुल गैसेज होती हैं जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड ये 30 से 35 परसेंट तक क्या हो जाएंगी कम हो जाएंगी एंड ये बनाने में भी सस्ते होते हैं मैन्युफैक्चरर्स को 25 से 30 प्रतिशत सस्ते पड़ते हैं नाउ कलर्स कौन कौन से मिलते हैं फायर क्रैकर्स को तो एक अगर आपको रेड कलर देना है तो इस्ट्रॉन्टियम सॉल्ट्स डालने पड़ते हैं ऑरेंज देना है तो कैल्शियम येलो के लिए सोडियम सॉल्ट्स ग्रीन के लिए बैरियम ब्लू के लिए कॉपर पर्पल के लिए कॉपर और इस्ट्रॉन्टियम दोनों व्हाइट के लिए मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम तो लर्न करना है मैं अगेन आपको बता रही हूँ अगर आप मेरे पी को फॉलो करेंगे एंड अगर आप क्यूज कर लेंगे तो आपको करंट अफेयर्स तो कहीं करने की जरूरत नहीं है लेकिन बेसिक्स को साथ में लेकर चलिए देन देखिए ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस सब क्या होते हैं अध्यादेश होता है तो ये इशू किया था प्रेसिडेंट इशू करते हैं आर्टिकल नंबर वन टू थ्री के अंदर एंड आर्टिकल नंबर टू वन थ्री में गवर्नर करते हैं अब देखो ये सब चीज़ें इसके अंदर नहीं लिखी हुई अब बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ये सब चीज़ें भी बताऊँगी तो नहीं मैं ये नहीं बताऊँगी क्योंकि अगर ये पी के अंदर नहीं है तो मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू हर टॉपिक को बहुत डीपली एक्सप्लेन किया जा सकता है एंड अगर हम हर दिन ट्वेंटी टॉपिक्स कर रहे हैं तो ट्वेंटी टॉपिक्स करने में अगर हम हर चीज़ को बहुत डिटेल में जाएंगे अगर मैं हर बेसिक चीज़ को समझाऊंगी तो वीडियो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएंगी अभी भी जो वीडियोस हैं वो बनने में बहुत टाइम लग जाता है इसीलिए प्लीज़ आप भी कॉपरेट कीजिए थोड़ा बहुत अपना बेसिक्स जो है वो बुक से सुधारिए क्योंकि अगर आप बेसिक्स को नहीं करेंगे तो करंट अफेयर से ही खाली पेपर नहीं निकल सकता ये भी ध्यान रखिएगा आपको बुक्स जो हैं वो तो पढ़नी ही पड़ेंगी बेसिक नॉलेज लेनी ही लेनी होगी जैसे ऑर्डिनेंस क्या होता है उसे कौन इशू करता है ठीक है कौन कौन सी ये कमीशनस हैं कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं तो ये सब आपको करना पड़ेगा तो सेंटर ने सेंटर मतलब यहाँ पर हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने इशू इंट्रोड्यूस किया है द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कहाँ पर एनसीआर में एन क्या होता है नेशनल कैप कैपिटल रीजन दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उन्हें कहते हैं ठीक है एट एरियाज एरिया ऑर्डिनेंस ट्वेंटी ट्वेंटी इशू किया अब इसके अंदर एक तो चेयरपर्सन होंगे जो कि चीफ सेक्रेटरी या रैंक ऑफ सेक्रेटरी के होते हैं जो कि आई ऑफिसर्स ही बनते हैं काफी आ, समय के बाद मेंबर्स होंगे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के पांच सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स होंगे टू जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स होंगे एक परमानेंट बॉडी है ठीक है देन देखिए इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आई के दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के एयर पॉल्यूशन एक्सपर्ट्स होंगे थ्री रिप्रेजेंटेटिवस होंगे नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एसोशिएट मेम्बर्स होंगे रिप्रजेंटेटिव होंगे मिनिस्ट्रीज के भी कौन कौन से मिनिस्ट्रीज एग्रीकल्चर की पेट्रोलियम की पावर की रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की हाउसिंग की अर्बन अफेयर्स की कॉमर्स की एंड इंडस्ट्री की सभी मेन पॉइंट्स सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रिलिम्स प्लस आप जो मेंस के अंदर लिखेंगे वो सब इसके अंदर है एंड उस सबको मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अब इसको मिनिस्ट्री की भी हिंदी बताऊँ एग्रीकल्चर की भी हिंदी बताऊँ पेट्रोलियम की भी हिंदी बताऊँ तो वो तो मुझे आती भी नहीं है इन सब की हिंदी एंड इसमें एक्सप्लेन क्या कर सकते हैं यार मुझे तो समझ ही नहीं आता कि पता नहीं क्या तो चाहते हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं चलिए कोई नहीं नाउ जो आपकी ये जो बॉडी है ये एक स्टैचुटरी बॉडी है कौन सी बॉडी पढ़ रहे हैं हम हम पढ़ रहे हैं ये जो कमीशन बनाई गई है ठीक है एन एयर क्वालिटी को मैनेज करने की तो इसको स्टैचुटरी बॉडी का मतलब क्या होता है जो किसी एक्ट के थ्रू बनाई जाए ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती स्टैचुटरी बॉडी मीन्स किसी एक्ट के थ्रू बनाई जाती है अब इसके अंदर दिक्कत क्या है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पहले से ही है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पहले से ही है तो ये उनके ऊपर है मतलब उनको सुपरसीड करेगी इसके पास पावर है कि ये गवर्नमेंट को डायरेक्शन भी इशू कर सकती है एंड फाइन भी लगा सकती है एक करोड़ तक जेल भी भेज सकती है पांच साल तक तो इससे पहले एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी भी बनी हुई है तो क्या वो सफिशियट नहीं है तो एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो बना हुआ है वो स्टैचूटरी बॉडी नहीं है स्टैचूटरी बॉडी मीन्स वो किसी एक्ट से भी नहीं बनी हुई उसको पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है तो जजमेंट केस था एम मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया तो उसके थ्रू एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना था उसमें स्टेट रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है सिर्फ दो परमानेंट मेंबर्स हैं तो इसीलिए ये बनाई गई है न इसके क्रिटिसिज्म क्या इतने सारे कानून इतनी सारी इंस्टीट्यूशन जिससे ज्यादा कंफ्यूजन होगी कानून का ना होना प्रॉब्लम नहीं है कानून बहुत है लेकिन पॉलिटिकल विल होना वो मिसिंग है ठीक है इट कम्स टू अब देखो आप बोलोगे कि ज्यादा ज्ञान दे रही है मैडम लेकिन जो ये करंट uh, अफेयर्स के नोट्स हैं नोट्स इज नॉट अ प्रॉब्लम योर विल इज़ मिसिंग मीन्स जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है जैसे मान लीजिए अगर जैसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया ये आपको uh, जो 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 आई एस की बुक्स हैं उसके अंदर देखने को मिलेंगे कौन से ये एक्ट से बने कौन कौन से स्टैचूटरी बॉडी हैं तो यहाँ पर आपको अपने अंदर वो विल जगानी होगी कि हाँ हमें जो है वो इनके बेसिक्स भी सीखने हैं ठीक है अब इसकी ज़रूरत क्यों है ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये रिव्यू करेगा कानूनों की इंस्टीट्यूशंस की अब दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि रिव्यू करेंगे लॉज को इंस्टीट्यूशंस को कंसल्टेशन करेंगे जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं चाहे वो पीपल हो कोई पर्सन हो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो बिल बनाएंगे एंड बिल बनाने के बाद उसके उसके थ्रू पब्लिक कमेंट्स भी मांगेंगे कि आप जो लोग हैं वो भी राय दें ठीक है सो दिस इज़ वेरी कॉमन एंड अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो उसको आप लिख दिया करो फिर भी ठीक है कुछ साइंस के ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि साइंस को मैं उतने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाती हूँ क्योंकि साइंस मैंने छोड़ दी थी इलेवंथ में ही तो साइंस मुझे खुद साइंस uh, से डर लगता है साइंस uh, ऐसा है जो मेरे सर के ऊपर से भी जा, जाती है कभी कभी लेकिन फिर भी आ, मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि करना तो है तो साइंस भी आप बेसिक्स जो है वो पढ़िए जैसे मैंने भी सिक्स टू टेंथ की एनसीआर जो है वो साइंस की पढ़ने की कोशिश की बट बिलीव मी जो भी ंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज आती है तो वो मुझे आ, समझने में टाइम लगता है बाकी सब सेल्फ़ एक्सप्लेनेटरी होता है देन देखिए ह्यूमन कोस्ट ऑफ डिजास्टर्स 2000 से 2019 तक तो 2000 से 2019 में जो भी डिज़ास्टर आए हैं अब उसका हम लोगों को कितना खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा ये रिपोर्ट रिलीज़ की यूएन ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन ने कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डबल डिजास्टर्स हुए हैं पिछले बीस साल में सेवन बड़े डिज़ास्टर्स आए दो से दो के बीच में जिसकी वजह से फोर बिलियन पीपल लोगों को असर पड़ा एंड ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो 2.97 ट्रिलियन की नुकसान हुआ नाउ ये जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस है फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इसे क्रिएट uh, किया गया था 1999 में ये नेशनल जो इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेशनल डिजास्टर रिडक्शन है उसके बाद बनी थी एंड ये इंश्योर करती है कि जो भी इसके गाइडलाइंस आते हैं उसको ये इम्प्लीमेंट करें फंक्शन ये फॉलो अप करते रहते हैं रिव्यू करते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क को सेंडाई भी फ्रेमवर्क बना हुआ है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए जिसे तीन वर्ल्ड यू एन कॉन्फ्रेंस ने अडॉप्ट किया था दो हज़ार पंद्रह में सेंडाई जापान के अंदर इनका विजन अब सारे गुड पॉइंट्स हैं डिज़ास्टर रिस्क को देखना डिज़ास्टर रिस्क गवर्नेंस को मजबूत करना डिज़ास्टर रिस्क को कम करना डिज़ास्टर के लिए प्रिपेयर रहना सेंडाई फ्रेमवर्क दो हज़ार पाँच से 2015 में बना था ये ठीक है जापान के अंदर देखिए इंडिया ने लॉन्च किया है फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज फॉर साउथ एशिया अब साउथ एशिया के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं जैसे कि ये चार तो दे हुई हैं बांग्लादेश भूटान नेपाल एंड श्रीलंका के लिए तो आपका जो मिट्योलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो फोरकास्ट करेंगे कि कहाँ पर जो फ्लड है बाढ़ जो है वो आने वाली है छः से बारह घंटे पहले पता चल जाएगा कि यहाँ यहाँ पर आएगी तो वाई आई एम डी क्योंकि वाई आई एम डी जो है वो पंद्रहवीं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अप्रूव किया था कि हाँ ये फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं वो फ्लड्स जो काफ़ी कम ड्यूरेशन के अंदर जैसे आपने देखा होगा कभी कभी यूट्यूब पर वीडियोज़ आती हैं कि एक नदी बिल्कुल सूखी पड़ी है और एकदम से पानी बहुत सारा आता है तो एक हाई पीक के साथ एंड विद इन सिक्स आवर्स इतनी तेज बारिश एंड वहाँ पर बिल्कुल बाढ़ आ जाती है सो दैट इज़ फ्लैश फ्लड्स अब चैप्टर प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं तो पिछले महीने एंड उससे भी पिछले महीने काफ़ी न्यूज़ में रहे अरबन अर्नब गोस्वामी जी तो इनको तो जी कहना चाहिए तो रिपब्लिक एडिटर इन चीफ जस्ट फॉर फन ठीक है तो आ, इनको पकड़ लिया था पुलिस ने तो फिर खैर पकड़ा ही था वो तो दूसरा केस था लेकिन मुंबई पुलिस ने ये कहा है कि हमने चैप्टर प्रोसीडिंग्स ली हैं चैप्टर प्रोसीडिंग्स मीन्स हमें डर है कि ये जो बंदा है ये सोसाइटी के अंदर पीस को डिसरप्ट कर रहा है जिसकी वजह से हम प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं तो ये होती हैं चैप्टर प्रोसीडिंग्स तो इसमें नोटिस इशू किया जाता है सेक्शन डबल वन ट्रिपल वन के थ्रू एंड फिर जो एक्यूज होता है उसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है फिर जो पर्सन होता है उसे एक्सप्लेन करना होता है कि वो साइन करे कि वो अच्छा बिहेव करेगा कुछ सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा एंड एक्सप्लेन करना होता है एंड अगर उसने एक्सप्लेन किया लेकिन मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड नहीं है तो पर्सन को कहा जाता है कि उसे साइन करना पड़ेगा फिर फाइन भी डिसाइड किया जाता है देखिए द यू एस स्टेट इस्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म लिस्ट तो सूडान जो है वो तीसरा अरब नेशन बन गया जो कि इसराइल के साथ रिलेशन अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यू एस जो है वो स्टेट इस्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म लिस्ट से बाहर निकल गया जो स्टेट इस्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म लिस्ट है ये यू एस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो पावर्स देते हैं कंट्रीज को कि वो सपोर्ट दे सकते हैं एंड फॉर एक्ट ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म एज स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म जो टैररिज्म को रोकने के लिए हैं नाउ कितनी कंट्रीज इस लिस्ट के अंदर हैं यहाँ पे वो कंट्रीज आएंगी जो कि मीन्स रिपोर्टेडली जो सपोर्ट करती हैं किसको टेररिज्म को ठीक है उससे टेररिज्म से बचने के लिए नहीं बल्कि आतंकवादियों को शरण देती हैं एक तरीके से उन्हें बचाती हैं तो सीरिया को लिस्ट किया गया था नाइनटीन में ईरान को नाइनटीन में एंड कोरिया को टू में अब यू ने सूडान को भी इस लिस्ट में ऐड कर दिया नाइनटीन में क्योंकि उन्होंने हेजबुल्ला एंड जो पेलेस्टीनियन मिलिटेंट थे उनको टेररिस्ट की लिस्ट से एक तरीके से हेल्प की एंड अब जाके ट्रंप ने सूडान को इस लिस्ट से रिमूव किया है क्यों क्योंकि इस होप में इस उम्मीद में कि जो वहाँ पे जो क्रिश्चियन वोटर्स हैं क्योंकि पिछले महीने इलेक्शंस थे यूएस के अंदर एंड वो फेवर करते हैं प्रो इसराइल पॉलिसीज़ को तो ये ट्रंप जी ने चाल चली थी बट ही फेल्ड एंड जॉय बिडेन जो है वो वहाँ के नए प्रेजिडेंट बन गए हैं सो थैंक यू सो मच देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ जितना टाइम मैं दे सकूँ जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ प्लीज़ आप थोड़ा सा और सपोर्ट कीजिए वीडियोस को शेयर कीजिए एंड ये कंप्लीट है ये फुल फ्लैज है जितना मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ आई एम ट्राइंग माय हार्ट स्टिल अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आता है आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं एंड येस पहले इसके साथ साथ मैं आपको कुछ डायग्राम्स भी दिखा देती हूँ ठीक है तो जो इंपॉर्टेंट है तो चलिए पहले डाइग्राम्स देखते हैं सो दिस इज योर होलोग्राम्स ये आपकी होलोग्राफी है यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो लेजर बीम्स को यूज करके क्या बनाई गई है थ्री डी पिक्चर्स बनाई गई हैं थ्री डी इमेजेस ठीक है तो ये होता है होलोग्राफी ठीक है होलो ग्राफी इसको कहते हैं ये हमने पढ़ा था पोलीक्लोनल या मोनोक्लोनल क्या होते हैं तो पोलीक्लोनल जो होते हैं वो थोड़े सस्ते पड़ते हैं मोनोक्लोनल महंगे पड़ते हैं इसके अंदर मिक्स्ड पॉपुलेशन होती है एंटीबॉडीज़ की इसके अंदर सिंगल होती है एंड ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में यूज़ किए जा सकते हैं ये सिर्फ एक ही एरियाज़ में यूज़ किए जा सकते हैं ठीक है ये इन्फिनाइटली रिन्यूएबल है मीन्स कई बार इसको रिन्यू किया जा सकता है देन देखिए ये मैंने आपको बताया था प्लाज्मा थेरेपी कैसे होती है ये कैसे काम की जाती है तो ये मान लीजिए कोई कोविड नाइन्टीन पेशेंट है अब ये ठीक हो गया है तो इसके ब्लड में से कुछ सैंपल लिया जाएगा एंड फिर इसको यूज़ किया जाएगा कोविड नाइन्टीन पेशेंट के लिए तो ये गलत पाई गई है ये अमेजोन फॉरेस्ट है ये आप देख सकते हैं ये साउथ अमेरिका का मैप है ये इसके पास कंट्रीज हैं सॉरी नेम आपकी ये है आपका वेनेजुला है ठीक है ये पेरू है ये बोलीविया है ठीक है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ब्राज़ील का फोर्टी परसेंट एरिया ये कवर करते हैं ओके सो थैंक यू सो मच आज का वीडियो कंप्लीट है दो वीडियोज़ और आएंगी एंड देन हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे नवम्बर के करंट अफेयर्स टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब